सो गाइस, यह है रियलमी 10 Pro Plus 5G जो कि एक कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन है। और आज जो इस फ़ोन पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं, स्क्रीन गार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, मेम्ब्रेन स्क्रीन गार्ड। भाई अभी तक इस फ़ोन पे जो लगा हुआ था यूवी टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ था, जिसको ऑलमोस्ट हमने 1.5 साल बाद, भाई 1.5 साल से भी ज़्यादा के बाद हमने इसको यहाँ पर इसको निकाला है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको निकालने पर, वो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ मैं, और जाकर देख लेना किस तरह से निकाला इसके ऊपर में यूवी टेम्पर्ड ग्लास। फिलहाल जो हम इसके ऊपर मेम्ब्रेन स्क्रीन गार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं, जो कि फ़ोन तो काफ़ी स्लिम है, अगर ऐसे में हम इसके ऊपर मेम्ब्रेन स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो फ़ोन को और भी स्लिम रहने देगा। दूसरा, मेम्ब्रेन स्क्रीन गार्ड जो सेल्फ हील होता है, दूसरा उसको कोई भी लगा सकता है, मतलब बहुत ईजी है उसको इंस्टॉल करना। बस ये है पैकेट, इसके अंदर है भाई यहाँ पर मेम्ब्रेन स्क्रीन गार्ड, जिसको यहाँ पर मैंने मंगाया है अमेजोन से। ओपन करते हैं क्या क्या इसके अंदर निकलने वाला है और इंस्टॉलेशन कैसे करना होगा। काफ़ी मोटा फोम इसके ऊपर लपेटा हुआ है, इसके बीच में कहीं है ये। अबे दो दो दिल गए, यहाँ पर हमने सिंगल के लिए पेमेंट की थी और यहाँ पर हमें मिलते गए दो मेम्ब्रेन स्क्रीन गार्ड। भाई जो किस किस पर लग सकते हैं, ओप्पो रेनो 9 पे, 9 Pro Plus पे, 10 Pro Plus पे, और भाई 11 Pro Plus पे लग सकते हैं, ये रियलमी के 12 Pro Plus पे भी इसको लगा सकते हैं। तो हम 10 Pro Plus के अप्लाई करने वाले हैं, पहले तो मेज़र कर लेंगे इसके ऊपर रख के किस पे लगेगा नहीं लगेगा। हाँ इसके ऊपर लग जाएगा, इसी के साइज़ का है, प्रॉपर कट है इसके हिसाब से। सबसे पहले फ़ोन की डिस्प्ले को यहाँ पर क्लीन करना होगा, उसके लिए यहाँ पर एक लिक्विड का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि डिस्प्ले क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। चाहे यहाँ पर PC की डिस्प्ले क्लीन करनी हो, मोबाइल की डिस्प्ले क्लीन करनी हो, लैपटॉप की डिस्प्ले क्लीन करनी हो, तो बेस्ट रहता है ये। इसका लिंक मैं आपको डिस्प्ले दे दूँगा। तो हल्का सा स्प्रे करेंगे दूर से, थोड़ा सा, प्योर कॉटन की टी शर्ट है, इससे इसको क्लीन करेंगे इस तरह से। और ध्यान रखना चाहिए टी शर्ट में यहाँ पर जो हल्का सा भी डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं होने चाहिए, या फिर जो आप नॉर्मली यूज़ करते रहते हो वाली टी शर्ट मत यूज़ करना है। पर अगर उसको यूज़ करोगे तो उस केस में क्या होगा, इसमें डस्ट पार्टिकल रह जाएंगे, इसमें निशान आएंगे उसके। इस तरह का माइक्रोफाइबर है ये फाइनल टच के लिए। आप भी टी शर्ट से कर सकते हैं अगर कॉटन वाली टी शर्ट है तो, या फिर ऐसे मेम्ब्रेन गार्ड का मैं लिंक दे दूंगा, जो स्क्रीन मेम्ब्रेन है, जो जिसके साथ ये किट भी आती होगी क्लीनिंग वाली, तो ये थोड़ा सस्ता था इसलिए मैंने इसको मंगा लिया। मैं दोनों का लिंक दे दूंगा जिसके साथ ये प्रॉपर सेट आएगा। और ये है मेम्ब्रेन, इसको ओपन करते हैं साइड में रख के, कहीं डस्ट वगैरह ना गिर जाए फ़ोन पर। टोटल फिल्म जो होती है इसके अंदर तीन होती है, एक बेस साइड में होगी, एक टॉप साइड में होगी। तो बेस साइड से सबसे पहले इसको ओपन करना होता है इस तरह से। तो इसको पहले अलाइन करेंगे इसके ऊपर हम रख के, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे कैमरे के पास से। तो ध्यान रखना है ये इंस्टॉलेशन जो होने वाला है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से होने वाला। ये मैं निकाल देता हूँ इसको। और ऐसे में आप सोचेंगे यार ये तो इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल नहीं हुआ अभी। इसके अंदर से एक एक लेयर और निकलेगी, एक एक लेयर और निकलेगी। अभी जस्ट हमने इसके ऊपर रखा है इसको, ठीक है, तो देख लेना लाइन करके ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो इवन दोनों तरफ से हो चुका है, मतलब ऊपर से ही बराबर, नीचे से बराबर, और साइड से भी ये ऑलमोस्ट बराबर है। देख लेंगे, अगर लग रहा थोड़ा साइड में हो जा रहा तो इसको दोबारा से रिमूव करेंगे। अब देखो इस साइड में थोड़ा सा जा रहा है ये, और इस साइड में थोड़ा कम है, तो इसको फिर से उठाएंगे। आई थिंक इस बार प्रॉपर हुआ ये। अब ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगी ATM कार्ड हो या इस तरह का ये सिम का कार्ड है, तो ATM कार्ड वगैरह ले लेना, उससे अच्छे से हो पाएगा। इस तरह से इसको निकाल लेंगे एयर इसके अंदर की। बट ध्यान रखना भी इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन अब होगा यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर उठाएंगे इस तरह से, ये लाइक दिस, और इसके अंदर एक और फिल्म है यहाँ ये। तो टोटल चार फिल्म निकलती है भाई इसके अंदर, जो ये फिल्म है इससे बेनिफिट रहता है, अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं आप, मतलब गलती का कोई चांस ही नहीं है। अब इसके ऊपर रखते हुए मैं प्रेस करता जाऊँगा इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से, और इस तरह से कम्प्लीटली इसके ऊपर से इसको निकाल दूंगा मैं। सेम इस साइड में इस तरह से करेंगे, इसको उठाएंगे ऊपर, और इसके अंदर ये एक और फिल्म है। टोटल चार फिल्म होती हैं इसके अंदर। इसको हल्का सा बैंड करेंगे और इसके बाद इस तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे, ये लाइक दिस। ये मैंने सारा ही निकाल दिया। ओ भाई ये थोड़ी एयर रहेगी यहाँ पर, एयर को ज़्यादा निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, हल्का फुल्का ही निकालना, कोई दिक्कत नहीं। एयर इसके अंदर रह भी जाती है ना, तो कोई इशू नहीं होने वाला यहाँ पर इसका इतना, क्योंकि ये मेम्ब्रेन स्क्रीन गार्ड है, स्क्रीन प्रोटेक्टर है। इसमें क्या होगा कि ये एक टाइम के बाद अपने आप ही हील कर लेगा, ठीक है। इतनी ही छोड़ दी मैंने, कोई बात नहीं, इतनी ही एयर रहने दो। अब इसको साइडों से इस तरह से करेंगे,
एजेस से, कॉर्नर से इस तरह से लगाएंगे इसको लाइक दिस। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना पन्नी निकल जा रही है ऊपर की, बट अंदर इंस्टॉलेशन हो चुका है, मतलब अंदर से चिपक चुका है ये। ये टॉप में हल्का सा रह गया, इसको निकाल देते हैं और दूसरी साइड से भी इस तरह से इसके ऊपर इंस्टॉल कर देते हैं लाइक दिस। ये अंदर हवा आएगी इसके, कोई बात नहीं। तो अच्छे से यहाँ पर हमने इसको चिपका दिया इसके ऊपर, मेन चीज़ साइडों से ध्यान रखना। अब जो क्या करना है, सिंपली हमने इसके ऊपर से जो फ्लिम है उसको निकालना है। और भाई सो फ्लिम निकल चुकी है और देख सकते हैं यहाँ पर साइडों में जो बबल है, इस साइड में भी बबल है, यहाँ नीचे की तरफ भी बबल है, ये भी बबल है। अब इसको निकालने का बिल्कुल भी आपने प्रयास नहीं करना, हल्का हल्का फिंगर से इस तरह से दबा सकते हैं साइडों से, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। इसको बिल्कुल भी, इसके जो इसके अंदर बबल है इनको नहीं निकालना, ये अपने आप ही निकल जाएंगे एक टाइम के बाद। इसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल फ़ोन को डालना है जेब में, अपनी पैंट की जेब में, और थोड़ा सा इधर उधर घूम के आ जाइए, ये अपने आप ही यहाँ पर जो गायब हो जाएंगे, जितने ही बबल नज़र आ रहे ना ये सारे बबल यहाँ पर जो गायब हो जाने वाले। सो गाइस इवनिंग के टाइम मैंने इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रोटेक्टर अप्लाई किया था, जो कि यह कंडीशन है कुछ इस तरह की, अब देख सकते हैं एक सिंगल भी बबल इसमें नज़र नहीं आ रहा, हल्का सा भी डस्ट पार्टिकल वगैरह या बहुत माइक्रो टाइप का भी जो बबल इसमें जो नज़र नहीं आ रहा। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर फिनिशिंग हुई, और जब हमने इंस्टॉल किया था उस वक्त देखा था आपने काफ़ी सारे बबल थे तो गायब हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इवनिंग को मैंने इसमें इंस्टॉल किया था ये, और नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने देखा ये पूरी तरह से गायब हो चुके थे। हालांकि मैं वीडियो थोड़ा सा लेट शूट कर रहा हूँ, 4-5 घंटे अभी अगर टाइम की अगर बात करें, टाइम हो रहा है 3:26 के समथिंग हो रहे हैं, बट ये मॉर्निंग में 6-7 बजे तक जब मैंने उठ के देखा तो पूरी तरह से ये फिट हो चुका था। तो मेम्ब्रेन स्किन प्रोटेक्टर की खासियत ये है, इसको फर्स्ट टाइम में कोई इंस्टॉल कर रहा है ना तो उसमें अगर बबल वगैरह रहते हैं तो बबल अपने आप ही यहाँ पर जो गायब हो जाने वाले हैं, तो ये बेस्ट मुझे इसलिए लगता है। दूसरा, जो फ़ोन को थोड़ा सा लाइट वेट बना देता है, इससे पहले हमने इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगाया था, फ़ोन थोड़ा सा हैवी फील हो रहा था, हालांकि फ़ोन लाइट वेट है, स्लिम भी है काफ़ी, अब तो बहुत ज़्यादा हल्का सा फील हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रॉपर कट है इसमें कैमरे के लिए, फ्रंट कैमरे के लिए, जिन लोगों को डाउट रहता है भाई फ्रंट कैमरे की क्वालिटी कहीं ख़राब ना हो जाए कवर करने से, तो इसमें मेम्ब्रेन में कट रहता है। बैक कवर लगाने पर क्या ये फिट होता है, नहीं होता, तो ये बैक कवर है जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है, न्यू बैक कवर का मैं लिंक दे दूंगा, ट्रांसपेरेंट वाला ज़्यादा बेटर लगता है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी यहाँ पर फिनिशिंग आई, मतलब अब यहाँ पर देखें तो प्रॉपर देखो स्पेस बच रहा है यहाँ पर, और बॉटम साइड में भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, जिससे ये निकलने वाला तो नहीं है। तो फिटिंग बहुत सही है इसकी, और मतलब मुझे तो क्वालिटी में नो डाउट सुपर लगा, मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर जो बबल जो अपने आप गायब हुए। तो कई बार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है और कई बार थोड़ा कम टाइम में भी हो सकते हैं, तो इनको ना प्रेस मत करना, इतना काम मत करना, बिल्कुल भी प्रेस मत करना नाखून वगैरह से, ये अपने आप यहाँ पर जो गायब हो जाने वाले हैं। तो कुल मिला के इस तरह से आप जो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस होने वाला है वो 200 रुपये का होने वाला है, जो यहाँ पर मैंने ये मंगाया था, बाकी एक अच्छी क्वालिटी वाला जिसमें एक प्रॉपर किट मिलती है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक और शेयर करो, दोस्तों चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब।